लॉकडाउन के तीसरे चरण में छूट मिलते ही दूसरे दिन भी देहात और महानगर में चहल पहल दिखा। इस दौरान सुबह के समय में अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वाले को पुलिस द्वारा एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर लॉकडाउन का पालन कराया गया। महानगर के विभिन्न चौराहों पर शहर में अन्य जनपद से आ रही गाड़ियों का नंबर और पता नोट किया गया और जो लोग बिना मास्क के निकल रहे थे उनको मास्क लगाने की अपील की गई। इस संबंध में CEO कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कुछ प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है जिसका निर्धारित समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक है। लोगों से अपील है कि जो छूट दी गई है उसका नियमता पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CEO कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, पचपन क्या सरकारी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? बिना मास्क के पाए जाने पे आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन का जो तीसरा फेज चल रहा है उसमें 8 प्रकार की जो सेवाएं हैं जो जिलाधिकारी महोदय ने बताया है उसमें छूट दी गई हैं, जिसमें स्टेशनरी है, कृषि उपकरण है, सीमेंट सरिया मोरंग की दुकानें, इलेक्ट्रिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा कुछ और दुकानें, मोबाइल शॉप है, ऑटोमोटिव जो ऑटोमोबाइल रिपेयर है, मोटर शॉप है, इनकी छूट दी गई है। लोग 11 से 5 के बीच छूट दी गई है। शराब की दुकानें भी खुली हैं जिनमें 10 से 7 बजे तक आज से छूट दी गई है। लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग छूट दी गई है उसका नियमता पालन करें, सोशल डिस्टेंस जो है उसको जरूर बनाए रखें और बेफालतू में बाहर ना निकलें। यद्यपि छूट आपको मिली हुई लेकिन अगर काम हो तभी बाहर निकलें, बिना मतलब के बाहर ना निकलें। बिल्कुल, हम शहरवासियों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपको निर्धारित समय दिया गया उस समय में ही निकलें, उस समय से अलग ना निकलें, और उस समय में भी अगर आपको वास्तव में ज़रूरत हो तभी निकलें। होम डिलीवरी की सुविधा अभी भी मौजूद है, उसी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, तभी हम लोग कोरोना से ये जंग जीत पाएंगे।